अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्कर्दो में हमारा ट्रेवल जो है वो जारी है और टेक्निकली अब हमारा जो सफ़र है वो अभी इस्तेमाल की तरफ जा रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे लोकेशंस करनी है। सो आज के दिन में कुछ बहुत मेजर अट्रैक्शन है जो हमने कवर करनी है। बट हम आदम कहाँ जा रहे हैं? आदम जा रहे हैं जी बिला मिक्स। ये क्या है? ये खाने वाली चीज़ है। मुझे तो मिख मिख लग रहा है। हाँ बिला मिक्स जी, ये रोंदो में है, डंबूदास और अस्तक के करीब से रास्ता निकलता है। बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और आज क्योंकि हमें 4 से 5 दिन हो गए हैं, खरपक लेक का जो हमने ट्रैक किया था उसमें हमारे मुंह ये देख लें 60 फुट गए, बिल्कुल काले हो गए, फुल डार्क ब्राउन हो गए। हाँ काले मुंह तो नीले पैर हो गए ने जो। और यहाँ से तकरीबन हम लोग इस वक्त कचौरा से निकल रहे हैं, आपको सड़क दिखाते हैं अस्तक तक की। और अगर पॉसिबल हुआ ना तो खाना अस्तक से खाएंगे, वो जो उनका शेफनी वाला बकरा नहीं है, रोश रोश जिसको वो कहते हैं, वो खाएंगे इंशाल्लाह। और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, तो सफ़र सड़क देखते हुए मौसम देखते हुए चलते हैं। हमारे साथ जाइएगा। आज के सफ़र को लेके मैं अब भी बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पहले नहीं गया हूँ। रात हम लोग कचौरा में रुके थे। अगर स्कर्दो से निकलें तो कचौरा ब्रिज क्रॉस करते ही द्रैस इन आपके बाएं जानिब आ जाता है, जो कराक्रम हाईवे तक आपके बाएं जानिब ही रहता है। जगलोट स्कर्दो रोड के बन जाने से स्कर्दो की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला है और स्कर्दो से पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी फ्लाइट्स आने लगी हैं, जिसकी वजह से अब स्कर्दो और उसके गिर्दोनुमा में बहुत सारे होटल्स बनने लगे हैं और इस पूरे रीजन में टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है। जगलोट स्कर्दो रोड 99% मुकम्मल हो चुका है, बस एक दो ब्रिज रह गए हैं बनने वाले। इस सड़क पर अब सफ़र एक खुशगवार तजर्बा बन गया है, वरना ये तजर्बा आप उन लोगों से पूछें जो सड़क बनने से पहले इस पर सफ़र कर चुके हैं। 2010 से 2017 तक मेरी कई रातें इस सड़क पर गुजरी हैं। बिला मिक्स रोंदो की वैली का रास्ता जगलोट स्कर्दो रोड से निकलता है। अगर आप गिलगित की तरफ से स्कर्दो की तरफ ट्रैवल करें तो इसका कट अस्तक के बाद आता है। हम क्योंकि कचौरा से निकल रहे हैं इसलिए हमें ये कट अस्तक नाले से 20 किलोमीटर पहले मिलेगा। इस एरिया में एसकॉम के अलावा टेलीनॉर के सिग्नल्स भी आते हैं, जबकि यूफोन एसकॉम पर कन्वर्ट होकर चलता है। ये जगह भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई इसलिए यहाँ बहुत कम होटल्स हैं। टूरिस्ट पॉइंट पर बहुत गुजारे वाले वाशरूम और सादा सी दुकानें मौजूद हैं। अगर आप स्कर्दो शहर से बिला मिक्स रोंदो जाएँ तो ये जीप तकरीबन आपसे 12 से 15 हज़ार रुपया लेगी और ये सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का होगा। स्कर्दो शहर से रोंदो के इस ब्रिज का फासला तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। हम क्योंकि कचौरा से निकले हैं तो हमें ये फासला तकरीबन 40-45 किलोमीटर बनेगा। बल्तिस्तान रीजन के ये खुश्क बंजर पहाड़ तब नहायत दिलकश लगते हैं जब छोटी छोटी हरी वादियाँ इनमें आती हैं। स्कर्दो से निकलें तो अस्तक नाले तक थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर आबादी या कोई गांव आता रहता है। अभी सुबह के 11 बजे हैं और हमारा कुल सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का है, जिसमें तकरीबन 1.5 घंटा ऑफ रोड ट्रैक शामिल है। अभी जो सामने स्टॉप आ रहा है यहां से बाशु जंगल का रास्ता निकलता है। ये सारी जीप्स बाशु जाने वाले लोगों के लिए ही खड़ी हैं। बाशु जंगल और मेडो का नज़ारा बहुत ही यूनिक है। मैं अभी तक बाशु जंगल नहीं जा सका, हालांकि पिछले 3 साल से स्कर्दो हमजा आ रहा हूँ। इंशाल्लाह इस जन्नती अर्जी का भी जल्द विजिट करूँगा। बाकी सड़क की खूबसूरती आप देख ही रहे हैं। मैंने हमजा से स्कर्दो का ये सफ़र बाइक पर तय किया हुआ है और मैं इस पर एक मुकम्मल वीलॉग भी अपलोड कर चुका हूँ। ओ
ये देखें जी ब्रिज कैसे हिल रहा है और नीचे दरिया सिंध है, तो छोटा मोटा दरिया नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर आप गिलगित की तरफ से सफ़र करें तो ये ब्रिज अस्तक नाले के 20 किलोमीटर बाद आता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई है, रास्ता कच्चा है, अभी हम लोग पहले गियर में ही चल रहे हैं। और रास्ता भी सिंगल ट्रैक है, सामने से गाड़ी आ गई तो मसला होगा। ब्रिज क्रॉस करने के बाद शॉर्ट गांव शुरू हो जाता है। सड़क के दोनों तरफ ये जो फसलें काश्त की गई हैं ये इन्हीं गाँव वालों की हैं। अभी हम शॉर्ट गांव के इस बाज़ार से गुजर रहे हैं जहां आपको करियाने की बेसिक दुकानें नज़र आ रही हैं। अगर खाने पीने की कोई चीज़ लेनी हो तो आप यहां से ले सकते हैं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं जगलोर स्कर्दू रोड, नीचे बिल्कुल एक लाइन सी महसूस हो रही है और अभी हमें 15 मिनट हो गए हैं सफ़र करते हुए। हमने एक घंटा ऊपर जाना है, सड़क कोई फेंस नहीं है और बहुत ही डेंजरस जो है ये ट्रैक है। जैसे ही गांव ख़त्म हुआ है साथ ही सड़क खतरनाक भी हो गई है और गर्मी का इजाफा भी महसूस होने लगा है। सड़क पर सेफ्टी शोल्डर नाम की कोई चीज़ नहीं। 20 मिनट बाद हम इतना ऊपर आ गए कि हमें जगलोर स्कर्दू रोड एक लकीर सा नज़र आने लगा। अभी वही हुआ जिसका डर था, मगर गाड़ी को थोड़ा सा बैक करने पर हमें इतनी जगह मिल गई कि ये जीप गुजर सके। सड़क पर जब कोई गांव आता है तो इर्द गिर्द फसलें आ जाती हैं और दरख्त सड़क को घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आबादी ख़त्म होती है मंजर एकदम से बदल जाता है। सब्जी का नामो निशान गायब हो जाता है और सड़क एकदम से रेगिस्तान का मंजर पेश करते हुए ख़तरनाक भी हो जाती है और बंदा एक दफ़ा सोचता ज़रूर है ऐ मैं किथे आ गया। अभी पिछले मंदिर को इस मंदिर से मिलाएं तो यकीन नहीं आता कि ये नाला और बागात इसी सफ़र का हिस्सा हैं जो अभी आपने 5 मिनट पहले क्रॉस किए हैं। डेढ़ घंटे की किया हमने जीप और बहुत ही मिट्टी खाई है गांव में, लेकिन हम पहुंच गए हैं। बिला में गांव क्रॉस करने के बाद चढ़ाई काफ़ी कम हो गई है, लेकिन मंजर नहायत खूबसूरत हो गया है।
में। अब लोग हम इस नाले के पीछे पीछे जा रहे हैं, ये देख रहे हैं अब्दुलरहमान के पीछे, ये बड़ा ही इक्वली जिगजैग बना हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इसकी जो साइड्स हैं वहाँ पे बिल्कुल ग्रास है, ग्रीन लैंड है, तो उससे और भी प्यारा लगता है। अभी हम इसके चलते हैं आगे तक, जहाँ से ये नीचे गिरता है वहाँ तक, तो इंशाल्लाह कोशिश करके पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी डिफरेंट चीज़ हमने आज तक नहीं देखी। ये थोड़ा सा एक टच आपको मिलता है, खड़खड़ी लेक जाए ना आप, तो आपको मिलता है कि नाले आपके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल बैरन है, पत्थर है। यहाँ पे ग्रीन है बिल्कुल, ये जो पूरा पैसेज है ये सारा ग्रीन है। और माशाल्लाह ऐसी कोई, मैं कहता हूँ, अफ्रीकी है पानी की। अब्दुलरहमान पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर लेटा हुआ है, इसे कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई अभी तक और ना ही कोई रील बनवाई है। हम लोग काम कर रहे थे तो शायद ये काम से बचने के लिए ऐसा कर रहा था, या तो शायद इस माहौल को अब्जॉर्ब कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ मैचलेस ब्यूटी है इस पार्ट की। मैं जो देखने आया था ना सीन, जो पिक्चर इसकी फेमस है, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। जो रास्ते में वैलीज आई हैं और ये पानी का ज़िगज़ैग है, किसके साथ इंशाल्लाह मैं आगे तक जाता हूँ, देखता हूँ आगे कहाँ पे जा रहा है, क्या व्यू देते हैं। आई तो थिंक स्कूल फिलहाल तो मैं चुप नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून फील किया। जो इसका जो फ्लो चेक करते हैं ना यहाँ पे आके, जब हम लोग ऊपर से देखते हैं कितना नेचुरली कर्व इक्वल है। अगर आप इसको वही करें 3 से 4 कर्व इसके आते हैं और पोटेंशली बहुत ही एक अच्छा वॉल पेपर यहाँ पे बन सकता है, तो वो नेचुरली बिल्ट है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब्दुलरहमान कह रहे हैं कि यार जंगल में अगर तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सीन है तो चलते हैं, 11 घंटा मजीद आगे जाना है, अगर तो इससे अच्छा सीन नहीं है तो फिर यहीं पर बैठ लेते हैं, तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं। वैसे ना यहाँ पर आ गए हैं बादल, अब यहाँ पर बैठने का आ रहा है मजा, नो डाउट। वो पानी को सुनते हैं और अल्लाह की जो है वो हम लाजमी बयान करनी चाहिए साथ साथ। और मैं आपको बताऊं, वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें मौका मिला हुआ है। बहुत थोड़े लोग हैं शायद दुनिया में जो अल्लाह की एक ज़मीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे दोस्तों गाइड दिए। और वो ये यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो और किचन, ये औरत करती है यहाँ पे। इस गांव में या इस एरिया में जितना भी देखा मैंने, खेतों में औरतें काम कर रही हैं और माशाल्लाह बड़ी ही जफाकश, मेहनती ख़वातीन हैं। अल्लाह इनको और से, अल्लाह इनकी हिम्मत में मज़ीद इजाफा करे। और जो मर्द हजरात हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर शहरों में काम करते हैं या टूरिज़म इंडस्ट्री से वो हैं, या ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है,
और आजकल घास का सीजन इन्होंने स्टोर कर रहे हैं हर तरफ। हमारे वो दोस्त जो हमें लेके आए साथ और उनके वो दोस्त जिन्होंने हमें लस्सी पिलाई है, इन्होंने मत पूछना ज़रा कि इतनी प्यारी जगह पे हमें इतना लेट क्यों लेके आए हैं। हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं यहाँ पे पोलो फेस्टिवल लगता है और इसकी डिटेल इनसे पूछते हैं। हम लोग लेट हो गए हैं, आप बता रहे हैं जुलाई 20 और 10 अगस्त तक यहाँ पे पोलो का फेस्टिवल होता है। ठीक है। और रंदू भर से बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, पोलो का मैच होता है। पोलो के अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट की मैच भी यहाँ पे होती है। सही। तो और कैंपिंग एरिया बहुत खूबसूरत है, आगे बहुत ही खूबसूरत एरिया है। आगे एक जंगल है उसको देखना है। बाकी ये जो पहाड़ मेरे सामने देख रहे हैं हम इनके काफी करीब आ गए हैं और इसका जो एक फेमस पिक्चर है वो बनती है नीचे से। ग्रास वैली है, ग्रास वैली के पीछे ये पहाड़ होते हैं, तो वो वापस पे करेंगे। मेरा प्लान था कि हम लोग पहले आगे आ जाएं जितना मैक्सिमम आगे आ सकते हैं और उसके बाद फिर हम पॉइंट्स को कवर करते करते पीछे जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वैली है, यहाँ पे चश्मे हैं और गायें हैं, बकरियाँ फिर रही हैं और ग्रासी प्लेन्स हैं, छोटे छोटे सादे सादे घर हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो माशाल्लाह मज़ा आएगा। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। जी और बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप हमने आज देखा, एक्सपीरियंस किया, और जब हमने यहाँ ऊपर चढ़ना शुरू किया तो हर कदम पे सुभान अल्लाह निकला है देखते यार। और वाकई सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। ये पानी का शोर और जो रास्ते में आपने देखी है ग्रीनरी, और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन करते हैं, आलू की काश का मौसम भी है, सो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है जो यहाँ पे है करने के लिए भी। और अभी हम एक पहले स्टॉप पे पहुँचे, यहाँ पे हमें लोकल जो मकामी लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमें लस्सी पिलाएंगे, हमारी खाते तबादलों करेंगे लस्सी के साथ। सो वी आर एक्साइटेड। मेरे ख्याल में आज का दिन अगेन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये किसके दूध की है? ये गाय, गाय के दूध की है। ओहो, ये तो बड़ी गाड़ी लग रही है। सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारी जगह पे हम बैठे हुए हैं और यॉर्क के दूध की हमें मिली है लस्सी। अब इसमें चीनी नहीं है, चीनी आप डाल सकते हैं डालना चाहे तो, वैसे भी पी लेते हैं ना, सही लगी तो चीनी पा लेंगे। चीनी डाल लेते हैं क्योंकि ये इतनी दूर आपको चाय मिल जाए, आपकी यार मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। देखें भाई का घर किस जगह पे है, जन्नत में रहते हैं। इधर से निकलता है और फिर उधर घूम होता है तो सर्दियों में। जी भाई साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस रहा है और मेरे ख्याल में जिस तरह से ट्रिप का एंड होना चाहिए था ये एग्जैक्टली उसी हाई रोड पे हमने एंड किया जिस रोड से हमने स्टार्ट किया सर। और आज भी जो सबसे खास बात थी, एक तो जब हमने आना था तो यहाँ पे एक दो स्पॉट्स हमने और एडिशनल्स डाले हुए थे जिसमें बिला में एक जंगल का भी एक मतलब जो कि हमें हमारे गाइड ने बताया सर। बट यहाँ इस पॉइंट पे जब हम पहुँचे हैं तो उसके बाद हमने सारे आगे वाली जो डेस्टिनेशन की इनकेंट दी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इतना हमें सुकून और पीस मिला कि हमने कहा यहीं पे बैठ के सारी एक्टिविटी भी कर लें और यहीं पे कुछ अच्छा टाइम बताया। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई अभी शाम हो रही है और ये जो वैली है ना गोल्डन हो गई है इस वक्त, और मैं आपको बताऊँ अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं
तो स्कर्दू से आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा डम्पू दास ब्रिज पे आने में, और आगे से तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन क्योंकि आजकल आम लोगों का सीज़न है, सामने से क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा थी, जैसे ट्रेन में क्रॉस नहीं पाया जाता, वही साफ हुआ है, तो हमें 2 घंटे लग गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें हैं परचून की, एक दाने आपको जूस और जो स्नैक्स वगैरह वो मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे बैठ के कुछ खाना चाहते हैं तो आप लेके आए, वैसे यहाँ पे आप वही काम ही वो कह के खाना पकवा भी सकती है। वो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के काम को हैं कि बिलामी को भी लोग यहाँ पे लोग आना शुरू हो, हमें बड़ा वेलकमिंग थे सब लोग कि आपको कैसा लगा, आप यहाँ पे ठीक है, आपको क्या मसला है। तो बस सड़क का थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन 1.5 घंटे का है, ट्रैक आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी इस रैली के अंदर कई रैलीज हैं और कई चश्मे हैं आपको, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के एपिसोड के बारे में आप हमें बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिलामी करोंदो की ये वैली आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं जिन्नात की झील का सफ़र तो यहाँ क्लिक करें, और अगर जाना चाहते हैं ऐसी जगह जहाँ स्कर्दू के लोग खुद सैर के लिए जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें। रिपोर्ट ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।